हाँ जगड़ लो उसको और तेज से। हाँ लगा, पूरी ताकत लगा, जगड़ो उसके सर में से, पूरा जगड़ लो उसको और तेज, जगड़ो जगड़ो उसके सर में से, उसके चेहरे में से पूरा जगड़ो। अब बुरा तुम बाहर से फौज को मारने के आते, बहुत बुरा, जगड़ो उसको तेज से, लगा पूरी ताकत लगाने से, अभी बुला रहा हूँ जंजीरा वालों को, बहुत मारेंगे तेरे टुकड़े कर देंगे, जोर से दरवाजा खुला रखा, जोर से बुलाओ बाहर से फौज को, खूब मारेंगे उसको, बुलाओ तेज से जकड़ लो उसको, लगा पूरी ताकत लगा तेरी कितनी है तो। हाँ लगा पूरी ताकत, तोड़ देता हूँ मैं, यहाँ जकड़ लो उसको, जकड़ो, बुलाओ बाहर से और तेजी से बुलाओ। नहीं जकड़ो उसको, आप खूब मार के टुकड़े करेंगे, कितने टुकड़े करूँ, बोल दो करूँ चार करूँ, बाटल में उतारू कहीं में उतारू, जमीन में गाड़ू कि क्या करूँ, जला के राख कर दूँ। हाँ पूरी ताकत लगा, सुने नहीं आ रहा मुझे, सुने नहीं आ रहा, जबड़ो उसको तेजी से, क्या तकलीफ दे रहे थे, क्या तकलीफ देने लगा रहे थे तुझे बेच के, क्या तकलीफ दे बोले थे, टाइम नहीं मिल रहा, जल्दी बोल, और क्या कर रहा था, कमर दर्द कर रही, हाँ और क्या कर रहा था, आ रहे कमर में, हाँ तू चला रहा था ये सब, हाँ और क्या तकलीफ दे रहा था, ऑपरेशन करना पड़ रहा डॉक्टर बोल के, मैं करने लगा रहा था उसको, क्या करने लगा रहा था तू ऑपरेशन, मुंगिया करके पैरों में अंगार, और क्या कर, उठने को चलने फिरने को, जोर से बोलने तो अभी काट दूंगा दो टुकड़ों में, मजबूर कर रहा था मैं इसको, जमीन को सुला रहा था, और क्या तकलीफ दे रहा था, ये बहुत परेशान है, खैर बरकत उड़ा था उसके घर की, बरकत इनकी दिलों में से मोहब्बत उड़ा दिया, इनके रिश्ते तोड़ दे रहा था मैं, किरकिरे लगा रहा था घर में, बहुत बड़े रिश्ते तोड़ने लगा है मैं, हाँ। इसके दिमाग में डाल के नफरत मेरे, किसके दिमाग में डाला था नफरत रिश्ते तोड़ने को, मेरे घर वालों के रिश्ते, अच्छा और क्या कर रहा था तू, तोड़ने लगाया वही, तोड़ दिया रिश्ता ही नहीं, सबके साथ तोड़ दिया, कौन लाया था तुझे और कहाँ से ला के डाले इनके अंग में, पेशेंट का क्या नाम, स्कूल में गिरी थी, मौलान भी, मौलान भी के अंग में कहाँ से ला के डाले तुझे, इन्हें स्कूल में गिरी थी, हाँ जब से मैं इसके, हाँ साथ रहता हूँ मैं, हाँ कब की बात है, कितना टाइम होगा उसको, 16-17 साल हो गए, अच्छा सब कुछ झूठ बोल रहा हूँ मैं, हाँ अभी तक सब कुछ झूठ बोला, बहुत झूठ बोल रहा हूँ, क्या बोलता था झूठ, क्या बोलता था, जा रहा हूँ बल्कि कहीं नहीं गया मैं, और कहीं जला करके तकलीफ देता हूँ मैं इसको, हाँ अल्लाह के भरोसे में रहती है ये। तू कौन है, तू मरे वाला इंसान है, जिन्नात है, मैं स्कूल के पास का हूँ, तो स्कूल के पास का कौन है, तू जिन्नात है, खबीस है, क्या मरे वाला इंसान की बदरू है, मरे वाला जो मैं, मरने से पहले क्या नाम था तेरा, हिंदू था मुसलमान था, हिंदू था, क्या नाम था, आपका बदनाम कर लू मैं, कुछ भी बोल गया, क्या बोल के बदनाम कर रहा था, घर वालों का नाम ना लो, उधर ससुराल वालों का नाम ना लो, सबका नाम, जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो उसको, पीछे हट, मैं तो दो टुकड़े कर दूंगा एक मिनट में, माफ करो।
जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो उसको, बिंगो खत्म कर डालो। हाँ जकड़ लो उसको और तेज से। कब मारने वाला था? कितने साल के बाद मारने वाला था? मैं मार डालना चाह रहा था। मगर इन्हें रात दिन दुआ करती अल्लाह इसका सुनता है। मार के क्या करने वाला था? साथ में ले जाने वाला था। ये दोनों कुछ नहीं रहना बोल के मेरे को अच्छा नहीं लगता। अच्छा तू मियां बीवी में झगड़े लगा रहा था? झगड़े लगा के रिश्ता तोड़ डाला मैं इनका। कब से कर रहा था तू ये हरकत? रोज करता मैं। और क्या कर रहा था? बच्चों को परेशान कर रहा हूँ। बच्चों को नहीं, बच्चों के दिल में नफरत डाल रहा माँ बाप के लिए। बड़े बच्चे को कर डाले दिमाग खराब कर डाला मैं बड़े बच्चे को। क्या करा तूने उसका? माँ बाप के दिल में नफरत कर डाला। और जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो। कितने लोगों को मारा आज तक? कितने इंसानों की जान लिया? किसकी नहीं लिया, मैं खाली इसको परेशान करता हूँ। इन्हें अच्छी लगनी मेरे को। स्कूल करने जब गिरी थी 16 साल पहले तो तू गिराया था? कौन गिराया था? मैं गिराया था। कैसा गिराया था? पैर गिन गिन करते पैर खींचा था। कैसी थी बच्ची जब वजू में थी? बेवजू थी। वजू में नहीं थी, सुबह का टाइम था 8 बजे का। स्कूल गई थी बच्चे को छोड़ने को, तो जब गिरा गिरा के क्या कर रहा था? फिर लग गया था तू उसको? जब से चालू था। किसने खिला के भेजा क्या? सही बोल। परिवार चलाए क्या? सही बोल। और तेज चलाओ, पकड़ लो लगा, पूरी ताकत लगा, जोर से तेरी कितनी है तो। क्या करूं, छोड़ू क्या, काट दूं, बाटल में उतार के जमीन में गाड़ू? इसका मतलब तू लगियाला नहीं, तेरे को लाके लगाए वाला है। जब तू खुद निकल के नहीं जा सकता तो तू खुद आए वाला नहीं है। पता कौन लगाए थे फिर तुझे लाके इसके आंग में? हाँ कौन खिलाया था वो? हाँ कहाँ से लाए थे? शमशान से, कब्रिस्तान से? तुझे शमशान से वार करके छोड़े थे समझ, और तूने उसका स्कूल में आके पहुंच के हमला करके पैर पकड़ के गिरा के नाव से हैवी हो गया था उसके ऊपर, बराबर? फोन करा था वो, औरत थी, आदमी था? दो और ना है ये आदमी। अच्छा इससे पहले नाम लिया क्या उन लोगों का? ये कौन है रे वो? अब सही सही बोल। कौन है वो औरत और कौन है वो आदमी? घर के लोग आए। क्या नाम थे? मारो जरा उसको और तेज जकड़ लो उसको। कौन औरता थे वो? मेरी सास, ननद, नानी, दादी। इनका क्या नाम? इनका मौलानबी के कौन थे वो? मौलानबी के कौन होते थे वो रिश्ते में? साजी, नानी, ननद। वो औरता हिंदू के मुसलमान के? हाँ मुसलमान के नहीं। क्या दुश्मनी थी? कई को करे उन्होंने मजे करने की? हाँ और तू आगा, तू आके उनका तलाक करा रहा था हराम की, तेरे बाप का राज चल रहा।
दोनों में झगड़े करना कर रहा था। अब बीमारी डाल के मार रहा था क्या फिर? क्या कर रहा था? कितने दिन में मारने वाला था? मारने तो मखाने परेशान कर रहा था, तकलीफ तकलीफ दे रहा था। क्या तकलीफ? कमर की पैरों की, चलने फिरने नहीं आना, इन लंगड़ियों के बैठना पड़के दाँतों से उसने तकलीफ कर दिया। अंतिना तकलीफ आप देखा है ना, किसी तकलीफ किसी को मार के लोगों को तकलीफ आ देता रही। اللهم صل على سيدنا العليم الرحيم. اللهم إني أحد إليك في حاضره حياة الدنيا شلع إلا أنت واحد لا شريك لك أشهد أن محمد عبد الرسول وعلى ذكرني الله نصف عيني فاتقني الله نصف تقرب جل شأنك وإني لا تقل الله برحمتك فجل إنك عاد توفي إلا يوم القيامة إنك لا تقل الدنيا وصلى الله على خير خلقه محمد ولصحابه أجمعين برحمتك يا الرحمين. बंदा लो इसको, जकड़ लो इसको और तेज जकड़ लो। किस चीज में मिला के खिलाए थे वो लोगों ने लाकर? दवा की तो खिलाए वाली होंगी, दवा कहे में खिलाए थे? हाँ दवा नहीं खिलाए, उदी खिलाए थे। उदी खिला के जादू चलाए, जादू चलाते वक्त क्या लिख गए थे मौलानी का? गंदे कपड़े नहीं गंदे। हाँ और कौन लिया था वो कपड़ा, कौन लेकर कहा था? क्या नाम था उसका ले जाने वाले का? जल्दी ना, अब तेरे पेट में से आग लगा दूं, पानी लो उसके पेट में घट करके निकल जाओ। पानी लो गिलास में, दम करो पहले। हिंग लाओ, बात मत करो घट करके। अरे बात मत करो जी, झगड़ लो अंदर तेज से। हाँ जलाओ उसके पेट में से और तेजी से आग लगाओ। चलो अंगूठी के नगीने में उतार, तुझे पकड़ के खैद कर लो रे कमीने, गाड़ दो जमीन में, गाड़ दो मेरे को, बस कर दो मेरे को, खत्म कर डालो। Hello.
करेगा दोबारा परेशान? नहीं करता, नहीं आ रहा मुझे, नहीं करता। लगाएंगा मियां बीवी में झगड़े? इतर लगाओ, दम करके लो पहले। जकड़ लो उसके दिमाग में से सारा, वो दिमाग में चढ़ के बैठा हुआ है, उसका मुंगार मार के बाहर निकाल के फेंकना। चल तो बाहर दबा दबा जोर से, जोर से, जैसे लगा रहा था ना जोर से झगड़े हो जाए, जोर से लगेगा बीमारियां नहीं लगाता, करेगा मर रहा। हाँ जाना लेता जादूगर को कितने पैसे दिए थे? बहुत गिलाई। कितने? मुझे मालूम नहीं। तुझे खाली जानत लेने आता है ना लोगों के। मौलान भी किशोर की भी जान लेने वाला था तू? नहीं, उनका दिमाग खराब कर दो लो भाई। और बीमारियां लगाया उनको? अब ऐसे टेंशन में रख रहा हूँ उसको। और बच्चों को क्या टेंशन? बच्चों को क्या कर रहा था? उनको दूर कर रहा था माँ बाप। माँ बाप के दिल में ना उड़ा था। अच्छा, घर बर्बाद कर रहा था। घर बर्बाद कर रहा था। चलो इसको मार के, इसको नाला कुल जाके बंद कर डालो इसको, जाता के खत्म कर दूँ बस। मेरे को कुछ भी करना हो निकाल लो बस यहाँ से। किस चीज में मिला के खिलाए थे? मुझे पता नहीं क्या आगे नहीं सो। बस तू आगा ना के परेशान कर रहा था। वारे मौलान भी को साथ में ले जाने वाला था कि मार के बीमारी डाल के मारने वाला था, सुसाइड कर मारने वाला था, खुशी करा रहा था, बीमारी डाल रहा था। अब तो ये सोच के बैठी थी कि अपने आप को खत्म कर लेना। उसको खत्म करा दे रहा था, तू दिमाग में डाल रहा था उसके वसवसे वैसे। रिश्ते तोड़ के अब इसको खत्म कर लेना, अपने आप मर जाना। कैसा जहर खा के मारा, मारने वाला था या गल्ला काट के? कैसा गोलियां सब खा लेके बैठ जाना मुरद। अच्छा तो वसवसा डाल रहा था उन्हें गोलियां सब खा के मरना बोल के? वाह रे, तेरे बाप का रात चल रहा है, गलत बात है ना ये? ऐसा जीत जीत तूने लोगों को सुकून नहीं दिया होगा, मरने की बात भी नहीं करा तू। वाह रे, चल अब क्या बोलते? तो तू कैसे मारा था? एक्सीडेंट होके मारा था, बीमारी से मारा था? एक्सीडेंट होके मारा था। कहाँ पे? आज का स्कूल के सामने। अच्छा, ये जरा घर से दुआएं पढ़ के निकलना, मर गए तुम मेरी मौत, बाद में तुमको तो पकड़ते जादूगर हम लोगों के आने छोड़ देते। मिनहा खलकनकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तरतन उखरा, बल्कि खबर में मट्टी डाल देते, सातों हमजात दब जाते, लेकिन जो सुसाइड करके हराम मौत में रहता उसका जो शैतानी हमजा करता वसवसे वाला, उसको पकड़ के ऐसे कामों में लगा दे। ये बहुत खैर, बहुत बड़े थ्योरी है, बहुत बड़े राज है, मगर ये मारो उसको। चल भाग भाग, रास्ता खुल जा, जल्दी भाग, मैं दूसरी बार दिखना नहीं, छोड़ के निकल, छोड़ के निकल, छोड़ उसको, चल छोड़, जा 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 जा।
जा किला से हमरा खड़े रहके फिरा पैरा ऐसे करूंगी मैं पैरा उधर करो अच्छा उधर खींच लो तुम्हारे उधर अच्छा जा जा जल्दी जा उधर तुम्हारा से खड़ा ही इधर से क्या आ रहा हूं अरे उठो क्या हो गया दो दिन से सो गए थे क्या बारिश इतनी कहां से आ गई पानी पियो तो दरवाजा बंद करके जरा एसी डालो भाई कितनी गर्मी हो रही है क्या हुआ था ये कौन है अब भी कुछ सवाल जवाब कुछ याद है क्या आओ मेरे साथ कुछ सवाल जवाब कुछ याद है क्या समझ में आता कुछ नहीं थोड़ा बहुत बोल था ताली मार अच्छा कोई दिखता था क्या तुम आपको बंद कमरे में कहीं घर में अकेले में पहले दिखता था क्या दिखता था ऐसा डर लगता था कभी तुम कहीं गिरे थे क्या स्कूल में कहीं गिरी थी स्कूल में कब की बात है 16-17 साल हो गया बच्चा पहली में था जब गिरे थे तो तुम अखबार मारे थे उन्हें आके पैर पकड़ के गिराया था अब भी उन्होंने बोला सब देखो उसमें रिकॉर्डिंग है मालूम होता तुम्हारा स्कूल में बच्चे को छोड़ने को गए थे तो जब गिर रहे थे क्या हाँ। उसने बोला देखो उसने रिकॉर्डिंग में और कौन करे क्या कर उनके भी नाम बोला कुछ दवाई अटला के अटकाए थे क्या क्या ये खैर ऐसा गलत बात आए ऐसे नहीं करना एक दूसरे पे जादू को नहीं ये अच्छी बात नहीं है और मैं सबसे पहले तो अहम एक ही बात बोलूंगा सब लोगों को कि कुरान और हदीस अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामो बहुत गलत बात है जादू टोने करना और जादूगर के पास जाना जो जादूगर के पास जाता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हम में से नहीं है और मैं जादूगर की भी शफात नहीं करूंगा हश्र के दिन और जो जादू करने जा रहा उसकी भी शफात नहीं करूंगा अल्लाह के सामने फिर तुम कहां जाएंगे तुम्हारी दुनिया आखिरत सब बर्बाद कर ले रहे अपने हाथों से तुम क्या सोच के जादू टोने करे दूसरे को और मत करो गलत बात है बहुत गलत है गुस्सा आया तो दो गालियां मुंह पे दे दो गुस्सा आया तो दो थप्पड़ मार दो खत्म इसमें वहां का वहां गुस्सा ऐसा निकाल दो भड़बड़ बोल कर मगर ऐसा करके मत निकालो किसी की जिंदगी खराब मत करो ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे तुम तो अपने खानदान के ना अपने लोगों को ऐसा करके जला के खत्म करेंगे तो ये बहुत गलत बात है मैं रोज प्रैक्टिकल देखते हुए डाउनलोड सिर्फ दुनिया को दिखा रहे सब जो भी अल्लाह कलाम की ताकत से मगर सबसे बड़ी साथ जमीन साथ आसमान में अल्लाह के कलाम की ताकत है कुरान आती की पढ़ने कुरान पढ़ती हूँ पढ़ने नहीं होता कभी कभी तहारत उड़ जाती है पढ़ेंगे बोले तो अब यहाँ से पढ़ो सुस्ती आती बाद नमाज है फजर की फजर हो रही क्या नहीं फजर नहीं हो रही उठने कंटिन्यू पढ़ो जरा फजर कुर्सी पे बैठ के पढ़ो लेट के पढ़ो कैसा पढ़ो माफ नहीं है मगर है फर्ज नमाज कुर्सी पे बैठती हूँ मगर बहुत तकलीफ होती सुबह में नहीं पढ़ो और पढ़ के क्या है तीन एक बार सूर रहमान एक बार सूर मुजम्मिल एक बार सूर यासीन शरीफ पढ़ते जाओ बाद नमाज फजर के और दुआ के पानी को दम करके पीते जाओ और मगरिब के बाद भी पढ़ो बैठ नहीं सकती खड़े नहीं रह सकती चलने नहीं आ सकती तो ये सब तुम्हारे अंदर की बला कर रही थी वो बला भी हाजिर हुई और बला ने सब बोल के गई अब यहाँ से मैं जैसे अमला करूंगा सब करूंगा पूरा राइट हूँ ना अल्लाह के हुक्म से पहले पढ़ती थी पूरी पांच टाइम नमाज होती थी मेरी पांच टाइम नमाज होती जैसा ये तकलीफ बढ़ गई जब से
नमाज कभी होती कभी नहीं, कुरान होती कभी नहीं, दांत नकली लग गए, हाथों का ऑपरेशन हो गया, पूरे हाथों पाँव में चार नहीं है, उम्र भी नहीं है। होता हमने कहा बोल रहा था ना बीमारियां उन्हीं से लगाए, लाके लगाए तुम्हारे कौन सा तूने लगाया, उन्होंने हम बोला मेरा तो कुछ नहीं उसमें, मैं क्या मेरे मुंह से बोला क्या, जो हाजिर हुआ उसने बोला, उनके जान में उनके आंग में गया उनके आंग में बोला। और ये सब नहीं करना, भी गलत गलत बात है। तुम लोग को क्या बोलूँ मैं, बोलने को अल्फाज नहीं मिल रहे, बेगैरत हो गई दुनिया शुरू से, जैसे है क्या लोग दुनिया में हसद जलन रखने वाले, मगर नहीं रखना ना। ये जो है ना जलन जो है तो बहुत बुरी चीज़ है, नफ्स पे जो काबू पाओ बोले अल्लाह, तो फिर वो तो है ना नफ्स बोले तो हसद जलन कराने वाली, तुम्हारी दुनिया आखिरत सब बर्बाद कर देने वाली रहती नफ्स। ये जादू आटो ने एक दूसरे पे, तुम दूसरों पे कर रहे किस पे कर रहे हो, तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो रही ना, किसका किया जा रहा। हाँ तुम जादू टोना क्यों कर रहे हो, तुम बद्दुआ कर सकते किसी के हक में अगर तुम करना है, मगर बद्दुआ भी नहीं करना, अल्लाह को बोलना तू फैसला कर, हम कुछ नहीं बोलते। अल्लाह इतना खतरनाक तरीके से बदला लेता, सातों जमीन और सातों आसमान में अल्लाह के जैसा बदला लेने वाला कोई नहीं, और सातों जमीन और आसमान के अंदर अल्लाह के जैसा कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। तुम अपने आप को अल्लाह पे सबको बदला लेना है तो अल्लाह को बोलो, अरे एक उसके लाठी में आवाज नहीं रहती, अगर एक मारा तो ऐसा आलम कर देता कि स्टेट को देश को सबको भीख लगा देता, इतना खतरनाक मार मारता, कुदरत की लाठी में आवाज नहीं रहती। तो मैं बार बार यही कहता कि नहीं आपको हसद जलन नहीं करना, अल्लाह पे सोखना, अल्लाह बदला लेने वाला सारे सातों जमीन आसमान में सबसे आला, उसके जैसा कोई बदला नहीं ले सकता, कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं, कोई फौज नहीं, और ना कोई शैतान ना कोई जिन्ना, अल्लाह के जैसी हिफाजत भी कोई नहीं कर सकता। तुम अगर अपने आप को अल्लाह के बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तुम अगर अपने आप को अल्लाह के हवाले सौंप देंगे, इधर से कैमरा, तुम अगर अपने आप को अल्लाह के हवाले सौंप देंगे तो उसके जैसी हिफाजत भी कोई नहीं करता तुम्हारी। फिर पूरी दुनिया की फौजें, पूरी दुनिया के शैताना, पूरी दुनिया के जिन्नाता, सातों जमीन सातों आसमान में के एक तरफ कर दो, और खुदा तुम्हारी हिफाजत करने वाला एक, क्योंकि वो सब अल्लाह के हुक्म के मोहताज है, उनकी सांसों पे उनकी हर चीज पे अल्लाह हुकूमत करता, और सब अल्लाह ने। तो बोलने में अल्फाज में तुम क्या बोलो, कोई औकात नहीं किसी के अल्लाह के सामने। अल्लाह जिसको उठाना चाहे उसको पूरी दुनिया नहीं गिरा सकती, और अल्लाह जिसको गिराना चाहे उसको पूरी दुनिया मिलकर नहीं उठा सकती। दो लफ्जों में समझ जाओ क्या बोलना चाहता हूँ। तो कहने सुनने ज्यादा अमल करो, इबादत करो, कुरान सीखो सीखो। तुमको इंग्लिश सीखना हो रहा, मराठी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, फलाना ढमके सारे लैंग्वेज सीख रहे, बहुत सारे लोग तो एक्स्ट्रा चीनी लैंग्वेज कोई सीख जा रहा, कोई और कितने देशों के फ्रांसी ये वो, मगर कुरान नहीं आ रही। शर्म आना तुम्हारा, शर्म कितने 60-70 साल की जिंदगी में सब लैंग्वेज सीख रहे, मगर ये नहीं सोच रहे कि उसके बाद की लाख महदूस जिंदगी में क्या चलने वाला है। वो तो याद करो, पूछूंगी ना उसके बारे में खबर में कैसा नहीं सीखे बोल के, भले तुम कायदा अलिफ बे अलिफ बे सीखते दुनिया से गए तो कोई मसला नहीं, मगर सीखते हुए जाओ, सीखेंगे बोलेंगे तो वो बात अलग है, कंटिन्यू में प्रैक्टिस में गए तो वो पूरा स्वभाव मिल जाता सीखने का। तो बहुत सारे दास्तान है इसलिए, क्योंकि अल्लाह बोलता कि फरिश्तों को इसका नाम है अमाल बोलो, इसमें देखो इन्होंने कुरान सीख के आया क्या नहीं, फरिश्ते देखते करे इसने तो कुरान नहीं पढ़ा, सीखा ही नहीं दुनिया के अंदर, तो इसको कुरान नहीं सीखने का गुनाह इसके ऊपर नोन करा दो, जो भी है सजा दिलाओ उसको। फिर अल्लाह की तरफ से भी आती नहीं था कि मेरा बंदा जो है कि कुरान सीख रहा था, अलिफ बे अलिफ बे अलिफ बे सीखते दुनिया से पूछ कर गया, तो इसलिए उसको पूरा लिख दो उसके हमारे नामाल में कि हाफिज बोलकर। क्यों? क्योंकि ये अगर सीख, मैं इसको हजार साल की उम्र देता था, ये सीखते सीखते मरा ना, हजार साल की उम्र में इन्हें तो फिर हाफिज कुरान बन जाता था, इसलिए इसने सीख रहा था, इसलिए इसको पूरा इसकी अमाल में अंदर सवाब लिख दिया जाए अमाल नामे में। तो बेहतर है कि प्रैक्टिस में रखो, सीखते सीखते सब नाम अल्लाह का जाऊंगी, सीखते सीखते सीख जाएंगे, तुम्हारी ढाल है, समझ गए, पेशेंट तो बहुत है भी, उस तरीके से अमल करो इंशाल्लाह, अल्लाह सब कहीं ना सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। कैमरे चालू रहे तो बीच में लोगों ने बातें नहीं करना, सख्त मना करता मैं कि दुनिया को कुछ मैसेज दे रहा हूँ ना, बैठ के कुछ वो तो नहीं कर रहा हूँ मैं, गाने पिक्चर तो नहीं सुना रहा हूँ लोगों को, ठीक है चलो।